मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट हरीश केलकर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे परस्पर सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स क्या होता है, क्या इसके प्रावधान हैं और इसे कैसा लिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज बी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी अपनी शादी अगर कानूनन तरीके से खत्म करना चाहते हैं, लीगली डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स ले सकते हैं। यह डिवोर्स लेने के लिए जो इसकी लीगली रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो आगे की तरह है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पति पत्नी की शादी को एक साल पूरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो एक साल से सेपरेटेड रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। अलग अलग रहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है कि अलग रहने का मतलब यह कतई नहीं है कि वह दोनों अलग अलग घर में रहे। एक ही घर में एक ही छत के नीचे भी अगर वो रह रहे हैं मगर वो पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे पिछले एक साल से, तो उन्हें अलग रहना माना जाएगा। अगर पति और पत्नी दोनों इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि यह शादी खत्म कर देनी है, तो वह फैमिली कोर्ट में या जिला कोर्ट में इस बारे में अर्जी दे सकते हैं। जहाँ पे फैमिली कोर्ट है वहाँ पे फैमिली कोर्ट में जाएगा, जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस बात की अर्जी डाली जाएगी। और ये अर्जी डालने के बाद में, ये अर्जी एफिडेविट के ऊपर होगी, ये अर्जी डालने के बाद में वहाँ के जज इस मैटर को पूरे 6 महीने के लिए एडजॉर्न कर देंगे। अगली डेट 6 महीने की रहेगी। इसे एक ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है। हो सकता है किसी तरह की गलतफहमियों में, किसी तरह के गड़बड़ में इन्होंने ये डिवोर्स का पिटीशन डाल दिया। इन्हें एक मौका देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाता है। इसे ट्रांजिट पीरियड भी कहा जाता है। इसके अंदर दोनों पार्टियों के दोस्त और रिश्तेदार इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कई स्टेट में ये अमेंडमेंट की है कि वहाँ पे काउंसलर नियुक्त किए गए, वो काउंसलर इनकी काउंसलिंग करते हैं और ये शादी बचाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, कवायद की जाती है। हाल ही में 2017 के एक जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जो 6 महीने का जो ट्रांजिट पीरियड की हम बात कर रहे थे वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है। अब मैंडेटरी होना और डायरेक्टरी होना, इसके अंदर का फर्क क्या हो सकता है? मैंडेटरी मतलब कि जो बस देना ही है, और डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जो जज के सामने यह म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स का, परस्पर सहमति के, तलाक का केस चल रहा है, मैटर चल रहा है, वो इस बारे में सोचेंगे। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी कोई इसके अंदर वक्त नहीं बचा है या इनके अंदर किसी तरह की सुलह हो ही नहीं सकती है, मैटर बहुत आगे बढ़ गया है, तो वह ये 6 महीने का वक्त नहीं देंगे। मगर उन्हें अगर इस बात की कोई एक पॉसिबिलिटी लगती है कि हाँ इनके अंदर 6 महीने के भीतर हो सकता है कोई सुलह हो जाए, इनके रिश्तेदार या तो फिर इनके दोस्त इन्हें समझा दे और ये शादी बचा लीजिए। मान लीजिए 6 महीने के ट्रांजिट पीरियड, मान लीजिए कि 6 महीने के ट्रांजिट पीरियड में पति पत्नी दोनों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है और वो इस बात पे, पति पत्नी दोनों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है और इस बात पे कायम है कि उन्हें ये म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स लेना ही है, ऐसे इसमें 6 महीने के बाद में सेकंड मोशन लाया जाता है कोर्ट में। और इस सेकंड मोशन में कोर्ट ये सारी बातों की तफ्तीश करता है कि जो भी कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं वो सच है और यह शादी अभी नहीं टिक सकती, दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ में नहीं रह सकते, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे परिस्थितियों में कोर्ट इस बात की डिग्री पास करता है कि यह शादी कानून खत्म हो जाती है। इसके बाद में यह शादी म्यूचुअल कंसेंट से खत्म हो जाती है। इसके बाद में भी कुछ बातें बचती है, जैसे कि मेंटेनेंस का क्या बात है, चाइल्ड कस्टडी क्या है। जैसे कि हमने कहा कि यह डिवोर्स जो है यह म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स है, इस वजह से इसके अंदर जो भी कुछ मेंटेनेंस की बात रहेगी ये तो चाइल्ड कस्टडी की बात रहेगी, यह पहले ही आपसी सहमति से पति पत्नी दोनों डिसाइड कर लेंगे। इसके अंदर किसी तरह का कोई कानून नहीं है कि मेंटेनेंस की क्या अमाउंट हो, कितनी कम हो या कितनी ज़्यादा हो। उसी तरह से चाइल्ड कस्टडी के बारे में भी आपसी सहमति से ही पति और पत्नी दोनों इस बारे में एक निर्णय लेते हैं और वो कोर्ट को लिखित स्वरूप में बताते हैं। उस तरह से मेंटेनेंस की भी बात इसके अंदर खत्म हो जाती है और चाइल्ड कस्टडी की बात खत्म हो जाती है। तो यह था म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स। आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा और सरल भाषा में हम आपको हिंदी में कानून की जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए वह घंटी को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे।